भागवतम पहला स्कंद फर्स्ट चैप्टर पहला श्लोक तो फोन में निकाल के देख सकते हैं। हाँ, उसको रिपीट कर दीजिए। पहला स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक आपके फोन पे निकाल लीजिए, फिर रिपीट कर सकते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चातेष्वभिज्ञस्वराण् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वयादितरतश्चातेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदाय आदिगमये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने ब्रह्म हृदाय आदिगमये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ओके आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद ट्रांसलेशन सो आई रीड ट्रांसलेशन आई रीड द ट्रांसलेशन इंग्लिश आई जस्ट वांट टू रीड इट इन हिंदी यू माइट रीड इट इन हिंदी because to read the purport and talk about it. How many here only understand? कौन English नहीं जानते? बात करें. 1, 2, 3, 4. Then those who have it in English, do you have the purport? Do you have the verse on your phone? Yes. You have it. So then better you just read. Translation, I tell you which proper to read in Hindi. You read it out and then I'll read translation and then I'll tell you which paragraph to read in the proper. Anuvad, right? Mm. And proper is called Tatparya. Right? Okay. Anuvad. Hey Prabhu. हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हे सर्वव्यापी भगवान मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। Okay, then you read second paragraph.
वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी श्री भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसे किस प्रकार है इसकी व्याख्या इस ग्रंथ में अगले अध्याय में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के बाद किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के अनुदेशों के अनुसार इसकी रचना की। श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया जिसमें चारों वेद वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र पुराण महाभारत इत्यादि सम्मिलित है, किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के दशम स्कंध में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इस सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। सो हियर इन द सेकंड पैराग्राफ श्रील प्रभुपाद इज कंटिन्यूइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लाइन दैट कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रांसलेशन। सेकंड पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जो पहला श्लोक है ट्रांसलेशन का, जो पहला श्लोक का जो पहला लाइन है उसके बारे में बता रहे हैं। एंड एज आई हैड प्रीवियसली स्पोकन द श्रीमद् भागवतम इज नोन एज द स्पॉटलेस पुराण। जैसे प्रभु जी ने पहले बताया था जो श्रीमद् भागवतम है वो स्पॉटलेस है, मतलब उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। Prabhupada is saying that in the spot what we had discussed that in the previous class. लोगों ने उसको पिछले सत्र में उसके बारे में चर्चा की थी। Anybody remembers why Bhagavatam is spotless Purana? About three modes. No mixture. Material. Right, there is no mixture of encouraging material desires in the Srimad Bhagavatam. It's about the three modes of material nature. तो उसमें कोई मिश्रित कर्म मिश्रित भौतिक मिश्रण नहीं है, वो तीन गुणों के परे है। शुद्ध भक्ति को वो ज्यादा प्रमोट करता है। एंड श्रीमद् भागवतम It starts from the platform of surrender to Krishna. Shrimad Bhagavatam भगवान के प्रति समर्पण से स्टार्ट होता है। I don't know who's better. If you want to change, you can change. Up to you. Okay. So Bhagavad Gita, Krishna ends the Bhagavad Gita by asking all the living entities to surrender unto him. Shri Krishna Bhagavad Gita ko sabhi jeevon ko unke prati samarpan karne ko kehte hain, wahan par usko samapt karte hain. Srimad Bhagavatam begins from the point of surrender. Aur Bhagavatam samarpan se start hota hai, chalu hota hai. Because here in the first verse itself it is said, by him even the great sages and demigods are placed into illusion, and they are bewildered. क्योंकि यहाँ पर पहले श्लोक में ये बताया गया है कि बहुत बड़े-बड़े ऋषि मुनि और देवतागण कृष्ण के माया से विचलित हो जाते हैं और वो मोह में मोहग्रस्त हो जाते हैं। So then, how to understand absolute truth? तो परम सत्य को कैसे जानेंगे? If Krishna puts even great demigods and sages into illusion and they cannot understand absolute truth, how is it possible to understand absolute truth?
तो अगर कृष्णा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देवतागण को भी माया में अगर रखेंगे तो फिर परम सत्य को कैसे हम लोग जान पाएंगे? एंड हियर इन द लास्ट लाइन इन द ट्रांसलेशन ही स्टेटेड I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from illusory representations of the material world. इसलिए यहाँ पे अंतिम पंक्ति में ये बताया गया है कि इसलिए मैं श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करता हूँ जो अपने धाम में इन सभी मोह से ऊपर है. So Krishna is above illusion. He is the cause of everything. He is cannot be known by even the great sages and demigods because they are also in illusion. So how will we know such supreme truth? तो कृष्णा सभी चीजों से ऊपर है, मोह से ऊपर है, ये सभी कारणों के कारण है. और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, देवतागण हैं, वो भी उनको नहीं जान पाते मोह की वजह से, तो हम कैसे समझेंगे कृष्णा? Answer is given in second verse. इसका उत्तर दूसरे श्लोक में बताया गया. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Purana propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. You can read that, the second verse translation, that's what I'm reading. The Srimad Bhagavata Purana bhautik karma se prerit hone wale samast dharmik krutiyon ko purna roop se bahishkrut karte hue sarvoch satya ka pratipadan karte hain जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोध गम्य है. शुद्ध हृदय वाले भक्तों, what does that mean? Devotees who are fully pure in heart, what does that mean? शुद्ध हृदय वाले भक्तों का अर्थ क्या है? It means they are fully surrendered. उसका अर्थ है वे पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित हैं. Because they don't have any other desire but to serve Krishna. क्योंकि उनके अंदर भगवान की सेवा करने के, श्री कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा नहीं. They don't worship Krishna because they want money. वो कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए. They don't worship Krishna because they can get some material desire from him. वो इसलिए कृष्ण की पूजा नहीं करते क्योंकि वो उनसे कोई भौतिक इच्छा की कामना करते हैं. They don't do a show of deity worship so that people will come and worship them, glorify them, and in that way their life is maintained. वे भगवान के विग्रह की पूजा करके लोग आएंगे, भगवान दान देंगे, उससे उनकी जो जीविका है वो चलेगी, उसके लिए नहीं करते हैं भगवान की पूजा. They don't worship Krishna and cry so that they may have so many followers who may glorify them. वे भगवान की पूजा करके ऐसा रो जो रोने का जो भाव है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं ताकि लोग आके उनको, बहुत सारे लोग आके उनको फॉलो करें उनका अनुभव. एंड दे डोंट मिसयूज और मिसइंटरप्रेट कृष्णास पास टाइम्स विद द गोपीज एज एन एक्सक्यूज फॉर देम टू एंजॉय इलिसिट रिलेशनशिप्स विद सो मेनी वुमेन. वे कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका दुरुपयोग या गलत मतलब नहीं निकालते ताकि वो बहुत सारे स्त्रियों के साथ अवैध संग करें. So this is not, these are examples of people who are not fully pure at heart. तो ये कुछ examples हैं जो ऐसे लोग हैं जो शुद्ध नहीं है हृदय से, पूर्ण तरीके से. So you can see here, second verse, Krishna, second verse of Srimad Bhagavatam is speaking about devotees who are pure at heart. तो जो दूसरा श्लोक है भागवतम का वो शुद्ध भक्तों के बारे में द्वितीय श्लोक एंड वेयरएस यू सी भगवत गीता कृष्णा डजंट प्रेजेंट सरेंडर अंटिल द लास्ट चैप्टर. जबकि आप देखते हैं कि भगवत गीता में अंतिम अध्याय में तब कृष्णा पूर्ण प्रकार से समर्पण के बारे में नहीं बात करता. फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट यू नो ही टॉक फर्स्ट एक्चुअली ही टॉक्स अबाउट कर्म योगा. Then he talks about karma sannyasa yoga. Then he talks about jnana yoga. He talks about dhyana yoga. In the end, he says, forget about all that, just surrender to him. So, विविध प्रकार कर्म योग ध्यान योग के बारे में बात करते हैं और अंतिम में वो कहते हैं कि इन सबको भूल जाइए और मेरे प्रति समर्पण करें.
But Bhagavatam doesn't even talk about all that. Doesn't talk dhyana yoga, dhyana yoga, that stuff. That's already finished. You don't have to talk about that. Now we will talk about pure devotional service. Bhagavatam अन्य किसी प्रकार के योग के बारे में बात ही नहीं करता। वो बोलता है कि वो सब खत्म हो गया, अभी हमको बस शुद्ध भक्ति के बारे में बात करना। And where does the Bhagavatam end? और भागवतम कहाँ अंत होता है? भागवतम कहाँ? भागवतम ends with the conclusion that कलिम सबाजयन्ति आर्य गुणज्ञा सार भागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते that संकीर्तन that performance of sankirtan bhagavatam emphasizes performance of sankirtan aur bhagavatam ka antim instruction kya hai ki humko sankirtan karna hai why sankirtan because this is how you will achieve love of god kyun sankirtan karna kyunki usse hi humko bhagavat prem ki prapti hogi so bhagavatam ends with presentation of love of god to bhagavatam jo hai wo bhagavat prem से अंत होता है। People have misconception. They think if you surrender, then you become like some slave. लोगों को ये गलत धारणा है कि अगर हम भगवान के प्रति समर्पण करेंगे, तो हम किसी नौकर के जैसे, गुलाम जैसे बन जाएंगे। But Bhagavatam says no. Don't you think devotees are slaves? Devotees are the most glorious people. Bhagavatam कहता है कि ऐसा मत सोचिए, जो भक्त हैं, वो गुलाम हैं। वो तो बहुत ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ध्रुव महाराज है, वो कोई भीख मांगने वाले तो नहीं थे। ध्रुव महाराज गॉट अ पोजिशन इवन हायर देन लॉर्ड ब्रह्मा। ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी उच्च स्थान प्राप्त हुआ। एंड प्रहलाद महाराज, ही वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। प्रहलाद महाराज को कितने बड़े-बड़े मुश्किलों से उनका रक्षा हुई, उनकी रक्षा हुई। यू सी एग्जांपल्स ऑफ हाउ पांडवास वर सेव्ड। यू सी एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू नो ग्रेट डिवोटीज लाइक जड भरत, भरत महाराज होल किंगडम। तो हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज है, उनकी किस प्रकार से रक्षा हुई, फिर भरत महाराज जिनका पूरा राज्य उनके पास था। एंड हाउ कृष्णा सेड, सो इवन पर्सन लाइक उत्तरा मदर ऑफ परीक्षित महाराज, हम वही देख सकते हैं उत्तरा की कैसे किस प्रकार रक्षा हुई परीक्षित महाराज की जो माता है। हाउ परीक्षित महाराज वाज प्रोटेक्टेड इन द होम, किस प्रकार से परीक्षित महाराज गर्भ में उनकी रक्षा हुई। How Krishna is interacting with all these devotees? किस प्रकार कृष्णा इन सभी भक्तों के साथ आदान-प्रदान करता है? And the main thing is, these devotees are happy, they are protected. और सबसे मेन चीज ये है कि ये भक्त सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं कि वो उनकी रक्षा हो रही है। And Bhagavatam presents that this is platform of surrender. It's not some boring thing. Surrendered platform is the platform of actual bliss where all our desires are fulfilled. Bhagavatam batata hai ki ye jo star hai jahan pe hum log Krishna ke prati samarpit hain to ye asli star hai jahan pe hum log prasannata humko milti hai. Ye koi boring jahan pe maza nahi aa raha aisa star nahi hai. And all our desires can be fulfilled. Hamare sabhi kamnaen wahan pe purna ho jati hain. But first we have to purify our desires. लेकिन सबसे पहले हमको हमारे इच्छाओं को शुद्ध करना है। Then once purified those desires get fulfilled. जब वे शुद्ध हो जाएंगे फिर उनका पूर्णता होगी, तब वो पूर्ण। Bhagavatam doesn't say that you have to give up all desires. Bhagavatam ऐसे नहीं कहता कि आप सभी इच्छाओं को त्याग दीजिए। That Buddha said that. तो बुद्ध लोग कहते हैं। मायावादी से कहता है। मायावादी। Bhagavatam doesn't say. Bhagavatam says on the platform of pure devotional service, all our desires to serve Krishna and reciprocate with Him are fulfilled by Krishna. Bhagavatam कहता है कि जब हम पूर्ण शुद्ध रूप से जितने भी हमारे कामना है उस स्तर पे पहुंचेंगे तो कृष्णा उन कामनाओं को पूर्ण करेंगे। So in that way Bhagavatam presents how devotees, so many devotees, how they related with Krishna in different circumstances, different places, different personalities. तो भागवतम बताता है कि किस प्रकार से
how Bhagavatam presents how different devotees related with Krishna in different circumstances, in different places, in different times. भागवतम बता दे किस प्रकार से अलग अलग भक्त भगवान के साथ कृष्ण के साथ किस प्रकार से उनका अलग अलग स्थान परिस्थिति समय काल अनुसार आदान प्रदान हुआ. You have kings, devotee kings. इसमें राजाएं हैं. You have children like Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj. उसमें बच्चे भी हैं. You have animals like Gajendra. उसमें प्राणी भी हैं Gajendra. You have high class women like Kunti Maharani, who is Rani. उसमें उच्च स्तर के जो महिला हैं वो भी हैं जैसे कुंती महारानी हैं. She was a queen. वे रानी थे. You have low class women like prostitute in 11th canto. इसमें एकदम बहुत निचले स्तर के लोग जो वेश्या हैं वो भी थे वो भी हैं. Prostitute? Okay. You have poor devotees like Sudama, didn't have any money. इसमें सुदामा जैसे ऐसे भी भक्ति जिनके पास कुछ पैसा नहीं है. You have very wealthy devotees like the king Ambarish Maharaj, so much wealth. इसमें बहुत धनवान राजा जैसे अम्बरीश महाराज हैं वो भी हैं. You had sannyasis like the Avanti Brahmana. इसमें सन्यासी भी हैं Avanti Brahmana. You have householders, grihasthas like Nanda Maharaj, Yashoda. इसमें गृहस्थ भी हैं Nanda Maharaj, Yashoda जैसे. You have you have brahmanas who are worshipping Krishna. इसमें ब्राह्मण भी हैं जो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं. Sudama is a brahmana. Sudama ब्राह्मण है. You have kshatriyas, kings. क्षत्रिय भी हैं जो राजा हैं. वैश्यास लाइक नंद महाराज यशोदा. वैश्य हैं जो नंद महाराज हैं यशोदा हैं. योर शूद्रास शूद्र भी हैं. नारद मुनि इन प्रीवियस लाइफ वाज शूद्र. नारद मुनि अपने पिछले जन्म में शूद्र थे. एंड सो इन दिस वे द श्रीमद् भागवत यू हैव ऑल क्लासेस ऑफ devotees from all kinds of backgrounds who have surrendered and worshiping Krishna. तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे कि हर background से अलग-अलग classes से भक्त हैं जो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं. You are people who practiced devotional service from the very beginning of their life. इसमें ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन के starting से ही भक्ति कर रहे हैं. परीक्षित महाराज, from whom he was practicing Krishna consciousness. परीक्षित महाराज जो अपने माता के गर्भ से वो भक्ति कर रहे थे. And you have those who practice Krishna consciousness at the last minute of their life. इसमें ऐसे भी एग्जांपल है जो अपने अंतिम क्षण में भक्ति करते हैं. Right? You have Khatwang Maharaj. Khatwang Maharaj है. Last minute he was informed, you are going to die now. Okay, immediately he thinks of Krishna. Goes back on bhakti. इसमें Khatwang Maharaj है जो एकदम अपने अंतिम क्षण में वो को पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है. उन्होंने कृष्ण के बारे में स्मरण किया और वो भगवत धाम चले गए. You have fallen people. They were formerly fixed up, then they fell down, like Ajamil. इसमें ऐसे भी हैं जो पहले अच्छे भक्त हैं, बाद में उनका पतन हो गया, जैसे कि Ajamil. And they became Krishna conscious. They also went down. और फिर उनका उद्धार हो गया, वे भक्त बन के भगवत धाम चले गए. You have those who are related to devotees. They also went back home to God. इसमें ऐसे भी लोग हैं जो भक्त के रिलेशन में हैं, उनसे कनेक्टेड है, वो भी भगवत धाम चले. Like Dhruva Maharaj's mother Suniti. जिस प्रकार ध्रुव महाराज के माता है सुनीति वो भी उनका she went back on back to God because of ध्रुव महाराज. वे भगवत धाम चले गए ध्रुव महाराज के. So Bhagavatam says you have no excuse not to surrender to Krishna. तो भागवतम कहते हैं आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप भगवान के प्रति. If you don't surrender to Krishna, you are a fool number one. अगर आप समर्पण नहीं करते हैं भगवान के प्रति तो आप एक नंबर के मूर्ख हैं. So this is श्रीमद् भागवतम. ये श्रीमद् भागवतम. And ultimately Srimad Bhagavatam says if you surrender to Krishna the fruit is you get love of God. Aur ultimately Srimad Bhagavatam ye bolta hai ki agar hum bhagwan ke prati samarpan karenge to humko bhagwat prem ki prapti hogi. And then the Chaitanya Charitamrita begins from the platform of love of God. Aur fir Chaitanya Charitamrita bhagwat prem ke star se
स्टार्ट होता है. चैतन्य चरितामृत डिस्क्राइब्स हाउ डू डिवोटीज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड what do they act, what is love of God, what are the characteristics, how is it pleasing to Krishna, how does it manifest, those things are described in Chaitanya Charitamrita. में इसका वर्णन है कि भगवत प्रेम क्या है, वो किस प्रकार से दर्शन उसका होता है, जो भगवत प्रेम में है वो किस प्रकार से उनके कार्य होते हैं, उसके बारे में उस Chaitanya Charitamrita में वर्णन है. So this is the progression. Srila Prabhupada has given us all these books. इस प्रकार से वो एक 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 स्तर उसका उच्च होते जाते हैं. श्रील प्रभुपाद ने हमको ये सभी ग्रंथ दिए हैं. भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत. गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत. सो श्रील व्यासदेव कंपोज दिस श्रीमद् भागवतम इन हिज मैच्योरिटी. तो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना उनके मैच्योरिटी में की, जब वे एकदम परिपक्व थे. सो व्हाट डज इट मीन दैट ही अटेन मैच्योरिटी. इसका क्या अर्थ है कि वे जब परिपक्व हुए. प्रभुपाद राइट्स आफ्टर कंपाइलिंग ऑल द वैदिक लिटरेचर्स, व्यासदेव कंपाइल ऑल द वैदिक लिटरेचर्स, द फोर वेदास, वेदांत सूत्र, पुराणास, महाभारत इत्यादि. He compiled all of this. श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वेदव्यास ने सभी वेदों की, पुराण, इतिहास, इन सब की रचना की. रचना is not the correct word, but compiled. Well, you can look it. It's there. If you look in the second paragraph, Vyasadeva compiled all Vedic literature. There must be the word there. भागवतम कह रहा है कि हम एट लास्ट क्या करना चाहते हैं जीवन में, हम लोग तृप्त होना चाहते हैं. इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड व्हाट इज द यूज ऑफ एनीथिंग. अगर आप संतुष्ट ही नहीं हुए तो किसी भी चीज का क्या उपयोग हुआ. इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड व्हाट इज यूज ऑफ ऑल द मनी. अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो सारे धन का क्या उपयोग. यू मे हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ बट इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड व्हाट इज द यूज. आपकी बहुत अच्छी सुंदर पत्नी हो सकती है लेकिन अगर आप संतुष्ट ही नहीं है तो क्या उसका उपयोग. यू मे हैव वंडरफुल चिल्ड्रन हु आर वेरी वेरी क्वालिफाइड, वेरी एजुकेटेड, वेरी इंटेलिजेंट बट इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड व्हाट इज द यूज. आपके बहुत गुणी बच्चे हो सकते हैं जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही गुणवान है लेकिन अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं है तो उसका क्या मतलब. यू मे हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्शिपिंग यू, ग्लोरीफाइंग यू, यू आर अ वेरी फेमस पर्सन बट इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड व्हाट इज द यूज. आपके हजारों आपके फॉलोअर्स होंगे, आपके अनुकरण करने वाले होंगे, वो आपकी पूजा करेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे लेकिन अगर हम आप खुद संतुष्ट नहीं है तो उसका क्या उपयोग. यू मे लिव इन अ हाउस, सच अ ह्यूज हाउस, द बिगेस्ट हाउस इन मुंबई बट इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड व्हाट इज द यूज. आप मुंबई में सबसे बड़े घर में रह सकते हैं लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उसका क्या उपयोग. सो नाउ वेदव्यास कंपाइल्ड ऑल दीज वैदिक लिटरेचर्स एंड पीपल गो टू दीज वैदिक लिटरेचर्स to fulfill all their material desires. वेद व्यास ने ये सभी वेद ग्रंथ और वेद ग्रंथ पूरे संकलन किया और लोग अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके पास जाते हैं वेदों के पास. They think that if they go to the Vedas and they worship according to the Vedas, if they fulfill their material desire, they will become satisfied. This is what they are thinking. लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो वेद के पास जाते हैं और उससे अपने वो बौद्धिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तो वो संतुष्ट हो जाएंगे. But the person who compiled the literature, he himself is not satisfied. लेकिन जिन्होंने उन शास्त्रों की संकलन किया, जिन्होंने, वे स्वयं संतुष्ट नहीं हुए. So how can you become satisfied by following what he wrote? Because he himself is not satisfied. How will you feel satisfied? जिन्होंने उसकी रचना की, संकलन किया, वे स्वयं उससे संतुष्ट नहीं है
तो आप कैसे उसे संतुष्ट होंगे? Therefore, नारद मुनि seeing the dissatisfaction in Vyasadeva, told Vyasa, you didn't write about supreme personality, you've got it, you haven't presented pure devotional service. तो उनकी असंतुष्टता को देखकर नारद मुनि ने वेदव्यास को कहा कि आपने श्री कृष्ण के बारे में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ वर्णन नहीं किया, और शुद्ध भक्ति के बारे में और शुद्ध भक्ति के बारे में आपने कुछ वर्णन नहीं किया. So, if Vyasadev had to describe about Krishna and pure devotional service to become satisfied, what about us? तो व्यासदेव को ये बताना पड़ा कि आपको संतुष्ट होने के लिए शुद्ध भक्ति के बारे में जानना है, तो हमारे हमारे बारे में क्या? That this acceptance of Vyasa that yes, I was dissatisfied because I did not focus on pure devotional service. Therefore, I am dissatisfied. And his acceptance of focusing on that and compiling the Srimad Bhagavatam is described as his maturity. तो ये इस बात को मानना वेदव्यास द्वारा कि मैं असंतुष्ट हूँ और उसके बाद में उनको रियलाइज होना कि उनको सभी भागवतम को कंपाइल करना, ये उनकी परिपक्वता है. शुद्ध भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में उनको भगवान के बारे में, भगवान के बारे में बताना है, तब संतुष्ट होंगे, ये उनकी परिपक्वता है. So similarly, for us to attain maturity, we have to first understand that in this world, I cannot be happy by satisfying material desires. So first we have to understand that in this material world, I cannot be happy without by trying to satisfy my material desires. तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि इस भौतिक जगत में भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करके मैं कभी संतुष्ट नहीं होने वाला. And how will I become happy? और कैसे हम लोग प्रसन्न हो सकते हैं? How will I become satisfied? हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? By accepting pure devotional service and worshipping Krishna. शुद्ध भक्ति को accept करके और कृष्ण की पूजा करके. And learning about Krishna's transcendental activities as described in Srimad Bhagavatam. और श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं के बारे में समझना जैसे श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है. This will give us satisfaction. इससे हम संतुष्ट होंगे. This is what we are looking for every single activity, even the way we are sitting right here. We are trying to seek happiness. तो यही हम हर एक कार्य से हम लोग चाहते हैं कि किस प्रकार हम प्रसन्न हो सकते हैं. हम लोग यहाँ बैठे भी हैं तो उससे भी हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कैसे हम लोग प्रसन्न होंगे. Any activity we are doing, we are not, we don't try to do anything to become miserable. हम कोई भी कार्य तकलीफ के लिए नहीं करते, तकलीफ देने के लिए नहीं करते. Yes, I am going to go and do this so that I can become miserable. हाँ, अभी मैं जाके ये करूँगा जिससे मुझे तकलीफ होगी. No, not a single activity in our life. ऐसे एक भी कार्य हम पूरे जीवन में कभी भी नहीं करते. But we are missing the point if we don't understand that we have to become pure devotees and worship Krishna. That is the only thing that will make us satisfied. We are missing this point if we don't understand it. अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण की पूजा करने से, उनको संतुष्ट करने से ही मैं पूरी तरीके से खुश हो सकता हूँ, तो वो चीज हम लोग उसको मिस कर रहे हैं. And that comes from platform of surrender. और वो समर्पण के स्तर से हमको वो समझ मिलती है. It's not that we worship Krishna in whatever way we feel like worshiping. ऐसा नहीं है कि हम जैसे भी हम भगवान की पूजा करने चाहिए करना चाहे वैसे कर सकते हैं. The condition is completely rejecting all religious activities which are materially motivated. तो इसका एक अर्थ ये है कि पूरी तरीके से भौतिक चीजों को हम लोग त्याग दें. No, religious activities which are materially motivated. धार्मिक कार्य जो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित है. सो बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू एक्ट एज इफ दे आर अ डिवोटी, मेनी पीपल लाइक दिस. तो ये हर एक व्यक्ति को, लोगों को अच्छा लगता है कि वो भक्त के प्रकार से, भक्त के जैसे अपने आप को दिखाना चाहते हैं. स्पेशली व्हेन यू वॉक अराउंड एज यू नो ड्रेस्ड स्पेशली इन सैफ्रॉन. Now sometimes people, you know, they are on the train or something, someone will sit next to you and start singing.
तो जैसे हम देखते हैं कि जब खासकर हम लोग भगवा वस्त्र में होते हैं तो लोग हमारे आसपास बैठते हैं तो गाना चालू कर देते हैं some radhe radhe or something like this they start singing some vraj bhajan something like that they sing so jaise wo hamare aas paas baithte hain to wo kuch radhe radhe ya kuch vraj bhajan gana chalu karte hain it's good I mean in one sense if we were not there they wouldn't have thought of krishna to ek prakar se acha hai ki hamare wajah se wo kam se kam krishna ke bare mein soch rahe hain but they themselves feel oh my god I have so much bhakti I have so much devotion dekhiye unko aisa lagta hai ki unko krishna ke prati bahut bhakti hai bahut I have so much devotion that my child, I feel he is Krishna only. उनके अंदर इतना भाव और उनको लगता है कि इतनी उनके अंदर भाव है भक्ति है कि उनको लगता है मेरा स्वयं का बच्चा कृष्ण है. That my boy, he also steals butter just like Krishna. मेरा जो बच्चा है वो भी कृष्ण के प्रकार सब उसी प्रकार से वो माखन चुराता है. See, Krishna also went and passed stool and urine wherever he felt like. So like that, my boy also runs around and passed stool and urine wherever he feels like. जैसे कृष्णा ने जहाँ पे भी वो भाग रहे थे, कहीं पे भी भाग के जब छोटे थे, कहीं पे भी उन्होंने मूत्र मल त्याग किया, उसी प्रकार से मेरा बच्चा कहीं पे भी मूत्र मल त्याग कर देता है. And by I am worshipping Krishna by worshipping my child. और मैं कृष्ण की पूजा करूँगा अगर मैं अपने बच्चे की पूजा करूँगा, ऐसा उनको लगता है. This is not devotion, sir. तो ये किसी भी तरीके से भक्ति नहीं है. Even though there is some thought of Krishna, which is better than having no thought of Krishna, it is still materially motivated. इसमें कृष्णा के बारे में कोई भी न विचार होने से थोड़ा अच्छा है कि कुछ तो विचार है कृष्णा के बारे में, लेकिन ये पूरी तरीके से भौतिक. It's not that if the neighbor's child comes and passes stool and urine inside his house, he will feel the same bliss. अगर हमारे पड़ोसी के बच्चे हमारे घर में आके अगर मुद्रा मल त्याग करेंगे तो मुझे उतनी खुशी नहीं होगी. I don't feel that happy. उनको उतनी खुशी नहीं होगी. It's not that immediately he went into bhav bhakti and thinking about Krishna. Oh, just see, just like Krishna passed to Lenin, this boy also passed to Lenin, he's crying. No. तो अगर पड़ोसी के बच्चे आके इस प्रकार से मुद्रा मल त्याग करेंगे तो ऐसे नहीं होगा कि अचानक से वो भाव में चले जाएंगे और बोलेंगे देखो कितना अच्छा है कृष्ण के जैसे वो कर रहे हैं. So his thought of Krishna is connected to his bodily relationship with his child. तो उनका जो कृष्ण के बारे में विचार है, वो उनके पुत्र के साथ जो उनका शारीरिक संबंध है, उससे वो connected है. Definitely better than not thinking of anything else. तो better to think of Krishna. तो वो definitely कृष्ण के किसी और चीज के बारे में न सोचते हुए कृष्ण के बारे में सोचना अच्छा है. But that kind of thought of Krishna is not going to make one satisfied. लेकिन उस प्रकार से जो कृष्ण के बारे में विचार है वो हमको कभी संतुष्ट नहीं करता. That kind of thought of Krishna will not help us go back home back to Godhead at the end of this life. उस प्रकार से जो कृष्ण के बारे में विचार है वो हमको कभी भी इस जीवन में भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित नहीं. Because that kind of thought of Krishna is without knowledge of Krishna. Because उस प्रकार से जो विचार है कृष्ण के बारे में वो कृष्ण के ज्ञान के अभाव में. There is no development of knowledge. It is pure sentiment. उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से ज्ञान नहीं है. वो पूरी तरीके से emotion है. भावना है सर. भौतिक भावना. Just yeah, just sentiment. भौतिक भावना. Correct. So, therefore, Prabhupada writes, in order to reach the very substance, which is love of God, in order to reach that, Prabhupada writes, one must proceed gradually by developing knowledge of the categories. इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमको एक एक स्कंद को ग्रेजुअली पढ़ना है स्तर एक एक स्तर करके. बिकॉज अदरवाइज व्हाट यू गेट इज लाइक यू नो हु वाज आस्किंग समबडी वाज आस्किंग वन ऑफ आवर डिवोटीज लाइक आई वॉच महाभारत एवरी डे. डू यू वॉच महाभारत? हु इज दैट? डू यू रिमेंबर? नो, आई एम फॉरगेटिंग वेयर आई सॉ दिस. I heard this. Anyways, one person was telling our Western brahmacharis, you know, it's like I also practice bhakti. I watch Mahabharata every day. So, एक हमारे जो विदेशी भक्त हैं, उनसे कोई बोल रहे थे कि मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं महाभारत देखता हूँ. Oh, right. This was to Mitravan Prabhu on the flight to Chennai. There was one person who was sitting next to him. He said that, yeah. मित्रवान प्रभु से किसी ने ये बोला था चेन्नई जाते हो फ्लाइट में उनके बाजू में बैठे he also
like Krishna very much. I watch Mahabharata every day. मुझे भी कृष्ण बहुत प्रिय है, मैं भी रोज महाभारत देखता हूँ. And he asked Mitra, you watch Mahabharata? आप देखते हो महाभारत? Mitra, no, but I've read. Mitra, वो बोले कि नहीं, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा. No, no, you should watch. मेरी आपको देखना चाहिए. No, no, there is no use of watching. कुछ फायदा नहीं है. What do you mean no use of watching? I feel so much devotion. अरे आपका क्या मतलब है, देख के कुछ फायदा नहीं है? मुझे तो बहुत भक्ति का. You feel devotion because you don't know anything. वो भक्ति लगता है क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं. That in that in that Mahabharata they try to describe, they try to show Arjuna with six pack. उनको लगता है कि वो महाभारत में अर्जुन को six pack के साथ दिखाते हैं. The very presentation of the Pandavas as devotees, they show that the anger that the Pandavas exhibited when they were in war or when Draupadi was insulted is just like how some lusty man feels angry when his girlfriend was taken away. तो जिस प्रकार से पांडवों का जो ये था, गुस्सा था जब द्रौपदी को इंसल्ट किया गया था, वो इस प्रकार से दिखाते कि जैसे कोई एक बहुत ही काम वासना वाला व्यक्ति जब उसके गर्लफ्रेंड ही होगी, गर्लफ्रेंड है उसको कोई दूसरा लेके जाएगा, सब समझ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स योर गर्लफ्रेंड. सो दिस इज दे थिंक लाइक दैट. एंड Prabhupada describes, he says that this, you know, now you go everywhere, all this bodybuilding, you know, there's that nice big abs, you know, like this, you know, they have these advertisements, everywhere they have these advertisements, gym advertisements. So, us prakar se dikhate hain, jaise bodybuilding karna hai, jaise is prakar sab jagah pe advertisement hota hai, us prakar se wo dikhate hain. And, you know, when it is described in Mahabharata that Draupadi is very beautiful, they make Draupadi look like some prostitute. So, Mahabharata mein aisa varnan hai ki Draupadi bahut sundar thi, to us prakar se dikhate hain jaise Draupadi koi vaishya hai. Because their conception of beauty is to think of some Deepika Padukone or someone like this is what they think beautiful. What is beautiful? It must be some actress. Aishwarya Rai, whatever. She's old, she's an old lady now. Yeah. उनका जो सौंदर्य का जो परिभाषा है उनके हिसाब से ऐसे कि कोई जो नाटिका है. Not in touch with the modern. I don't know who are the modern heroes and heroines. तो उस प्रकार से दिखा जैसे कोई दीपिका पादुकोण हो, ऐश्वर्या राय हो. ऐश्वर्या राय तो भी बहुत बूढ़े हो गए. You know, so this is their conception. Prabhupada says this. Developing the six pack and all this, this is Prabhupada says this is the beauty of the meat eaters. So Prabhupada बोलते हैं कि जो six packs बनाना ये सब है, ये सब जो मलेच्छ हैं, जो मांस खाने वाले लोग हैं, उनका वो beauty, उनका वो सुंदर, उनकी सुंदरता है. He says but the beauty of milk drinkers is different. तो जो दूध पीने वाले हैं, उनकी जो सुंदरता है वो अलग है. Krishna he has beauty like the beauty of the milk drinkers. कृष्ण की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, वो दूध पीने वाले लोगों से. It's not the beauty of the meat eaters. वो मांस खाने वाले लोगों जैसी सुंदरता नहीं. So these depictions of Hanuman having six pack, Ram having six pack, it's ugly nonsense. तो ये जो दिखाते हैं, जिसमें राम के six packs हैं, हनुमान के six packs हैं, ये पूरी तरीके से बकवास है. In the, some pictures of Shivaratri, you'll see so many of these. Now you'll see Lord Shiva having six pack, you know, all this kind of ugly. And you some pictures, Shiva looks like some hero and Parvati looks like some heroine. It looks so horrible. So, ये जो अब देखेंगे अभी शिवरात्रि आ रहा है तो बहुत सारे यहाँ पे posters लगेंगे. उसमें जो शिव जी हैं वो किसी hero और heroine जैसे लिखते हैं, पार्वती जो किसी heroine जैसे लिखते हैं. Because they don't have knowledge of the distinction between matter and spirit. क्योंकि उनके अंदर जो matter है, भौतिक वस्तु और आध्यात्मिक वस्तु के बीच में उनको कोई अंतर नहीं पता है. Therefore, when if one goes and reads Krishna's pastimes with the gopis in the 10th canto, and one thinks this is exactly like how I played with my five girlfriends. तो इसलिए जब कोई सीधा दसवें स्कंद में जाके कृष्ण की लीलाओं के रास लीलाओं के बारे में, गोपियों के साथ जो लीला उसके बारे में पढ़ते हैं,
वो सोचते हैं तो वैसे ही है जैसे मैं अपने चार पांच गर्लफ्रेंड के साथ. When Krishna stole the garments of the gopis, the pleasure he felt is exactly like how I feel when I see naked woman. तो उनको लगता है जब उन्होंने गोपियों के वस्त्र हरण किए तो उनको जो प्रसन्नता हुई वो तो मेरे प्रसन्नता जैसे जब मैं किसी बिना वस्त्र के स्त्री को देखता हूँ. So and because of this, they cannot understand what pure devotional service is. और इस कारण वो नहीं समझ पा रहे कि शुद्ध भक्ति क्या है. And what is the problem? You will never become happy. You will never become satisfied. You will keep going through the cycle of birth and death again and again. तो ये ना समझने का क्या problem? Problem ये है कि आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे. हमेशा आप उसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे. Therefore, one has to gradually proceed through the Srimad Bhagavatam up to the 10th canto. Gradually, first, second, third, like this. इसलिए हमको चाहिए कि हम उसको एक-एक स्तर से हम लोग उसमें आगे बढ़े. पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ. So this is why it is so important to read Srila Prabhupada's purports in the Bhagavatam. इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको Srila Prabhupada के जो तात्पर्य है वो पढ़ना बहुत अनिवार्य है. Then Prabhupada said that his purports are actually more important than the translations. Prabhupada ने ऐसा भी कहा कि उनका जो तात्पर्य है वो अनुवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है. Sometimes I've seen devotees, they just read the translations. मैंने बहुत बार देखा है कभी कभी जो भक्त है वो सिर्फ अनुवाद पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं. They look, Shrimati Srila Prabhupada writes 10 page purport. And they'll, oh my God, and then they just go to the next translation. वो देखते हैं कि अगर प्रभुपाद ने 10 पेज का तात्पर्य लिखा है तो इतना सारा तो दूसरे अनुवाद. But it is important for us to go through that austerity. लेकिन हमारे लिए वो जो तपस्या है उसके थ्रू जाना जरूरी है. Because otherwise we won't become purified. नहीं तो हम लोग कभी शुद्ध नहीं हो पाएंगे. Many times it will look like Prabhupada saying same thing again and again. You are not this body. We have to not, you know, we have to give up sense gratification. One has to give up all types of material desires. Same thing again and again and again. First canto same thing, second canto same thing, third canto same thing. Purport after purport, Prabhupada saying same thing. इसमें ऐसा दिख सकता है कि Prabhupada तो same चीज बता रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ और उसमें same चीजें हर एक canto में हर एक purport में same है. So some devotees they just ask me already I read the same thing again and again. Prabhupada saying just read the translations at least. तो कोई ऐसा सोच सकता है ना, ये पढ़ा हुआ है प्रभुपाद सेम चीज बता रहे हैं, चलो मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ के आगे बढ़ता हूं. We have to keep hearing that. हमको वो सुनना जरूरी है. Because if we think that Srila Prabhupada is on the platform of love of God. अगर हम को मालूम है, हम समझते हैं कि प्रभुपाद भगवत प्रेम के स्तर पर हैं. And he was never bored about talking that you are not this body. तो अगर वे कभी भी उससे बोर नहीं हुए कि हम ये शरीर नहीं है ये बोलते हुए वो कभी कुछ बोर नहीं हुआ है. Then how can we become bored by hearing it again and again? तो हम उसको सुनके कैसे बोर हो सकते हैं बार बार? If we are getting bored by listening to this again and again, that means we have not reached the platform that Srila Prabhupada is on. अगर हम वो सुनके बार बार बोर हो रहे हैं उसका मतलब हम उस स्तर तक पहुंचे ही नहीं जिस स्तर पर Srila Prabhupada. What is that platform? Love of God. Prabhupada is on that platform. वो कौन सा स्तर है? वो तो भगवत प्रेम का स्तर है. प्रभुपाद तो उस स्तर पे हैं भगवत प्रेम के स्तर पर. So and if we don't reach that platform, what is the consequence? और अगर हम go again through the cycle samsara chakra, go through the cycle of birth and death again. अगर हम लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए तो उसका परिणाम क्या होगा? वही होगा कि हम लोग बार-बार जन्म मृत्यु करते रहेंगे. So we have to endeavor to start relishing Prabhupada's purpose. तो हमको प्रयास करना है कि हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्यों को आस्वादन कर सकें. We just read one paragraph, but there's so much to be said. हमने बस अभी एक पैराग्राफ पढ़ा है, लेकिन और कितना? This purport is very big, and I'm not, you know, I'm reading one paragraph, and there's so much to say. इस purport इतना बड़ा है, और प्रभु जी से एक-एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें भी कितना सारा है उसको हम चर्चा करने के लिए. So anyways, it's 8:31, so I'll stop here. 8:30 बज गया तो प्रभु जी अभी विराम देंगे. If there's any questions or comments, कोई प्रश्न है please feel free to ask. कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. कुछ प्रश्न? No? Okay. All right, so we can end.
So, I understand that he in the Bhagavad Gita. He will write, he himself will translate it. I understand कि भागवतम पढ़ना मतलब कैंटो बाय कैंटो पढ़ना है तो फिर ये खत्म होने के बाद चैतन्य चरितमृता पढ़े कि उसके बाद पढ़े ओके तो या गो ऑन व्हाट्स योर क्वेश्चन सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस करेक्ट ओके श्रीमद् भागवतम 12 कैंटोस फिर चैतन्य चरितमृता I had one devotee. He said he wouldn't go and read the Bhagavatam. Some special devotee. He refused to read Bhagavatam. You can translate. एक भक्त थे उन्होंने उन्होंने बताया कि उन्होंने रिफ्यूज किया भागवतम कि वो भागवतम नहीं पढ़ेंगे. Why? Because he said, actually, I've never understood Bhagavad Gita. क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे कभी भगवत गीता ही नहीं समझा. If I haven't understood Bhagavad Gita, how will I go to Bhagavatam? So उन्होंने बोला मैंने Bhagavad Gita ही नहीं समझा तो Bhagavatam कहाँ से पढ़ूँगा? So I won't read Bhagavatam. I'll only read Bhagavad Gita. तो मैं Bhagavatam नहीं पढ़ूँगा. मैं सिर्फ Bhagavad Gita ही पढ़ूँगा. So like this, he had read almost Bhagavatam, the Bhagavad Gita about 3-4 times. Still, he refused to go to Bhagavatam. So उन्होंने Bhagavad Gita 3-4 बार पढ़ा. फिर भी वो Bhagavatam के नहीं जा रहे थे पढ़ने के लिए. And he would tease other devotees. He would say, "Oh, you're so advanced. You understood Bhagavad Gita. You went to Srimad Bhagavatam." और वो बाकी सारे भक्तगण को टीज कर रहे थे मजाक कर रहे थे कि आपने भगवत गीता ही सही तरीके से नहीं समझा और भागवतम पे पहुंच गए. ओह प्रभु यू आर सच अ वंडरफुल डिवोटी यू एक्चुअली यू अंडरस्टूड भगवत गीता एंड यू वेंट टू श्रीमद् भागवतम. और वो बाकी प्रभु जी को बोले जा रहे आपको तो भगवत गीता सब समझ गया और आप भागवतम पे चले गए. आई एम वेरी फॉलो डिवोटी आई एम जस्ट रीडिंग भगवत गीता. मैं बहुत प्रतीत हूँ कि मैं अभी तक भगवत गीता ही पढ़ा. आई एम नॉट रीडिंग भागवतम. मैंने अभी तक नहीं भागवतम पढ़ा है. इज इट नॉनसेंस फेलो. He actually वो nonsense थे उनके बुद्धि नहीं थी. He's actually puffed up rascal. कि वो एक rascal है. Why? Because spiritual master's order, Srila Prabhupada's order is, you read Bhagavatam, you read Chaitanya Charitamrita, you have to read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Prabhupada said you should do this. तो श्रीमद् प्रभुपाद ने बोला है कि आपको भगवत गीता भागवतम और चैतन्य चरितमृता पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही है. सो इट डजंट मैटर वेदर आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट भगवत गीता और नॉट आई हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. तो उसका मतलब ये है कि मुझे स्पिरिचुअल मास्टर का ऑर्डर फॉलो करना ही है भले मैंने मुझे पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं आया तब तक मुझे पढ़ के लेना ही है. इज इट इवन पॉसिबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड भगवत गीता? क्या ये संभव है कि मैं पूरा भगवत गीता समझ जाऊं? भगवत गीता इज अ स्पिरिचुअल टेक्स्ट. भगवत गीता एक आध्यात्मिक पुस्तक है. स्पोकन बाय कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ. सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ने खुद ने ये कहा है. इट हैज ओनली 700 वर्सेस. इसमें सिर्फ 700 श्लोक है. बट एवरी टाइम वन रीड्स भगवत गीता वन डिराइव समथिंग वंडरफुल फ्रॉम इट. पर जब भी कोई इसको वापस पढ़ेगा तो उसमें से नया अर्थ निकाल के समझ सकता है. So you will never finish reading Bhagavad Gita. So हम लोग कभी भगवत गीता को फिनिश कर ही नहीं सकते पढ़ना. But spiritual master has ordered us to read Srimad Bhagavatam. पर spiritual master श्रील प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया है कि हमको भागवतम पढ़ना है. Therefore we should read Srimad Bhagavatam. इसके लिए हमको श्रीमद् भागवतम भी पढ़ना चाहिए. Okay, after reading Bhagavad Gita, whether I think I understood or not understood, I continue reading Srimad Bhagavatam. So Bhagavad Gita पढ़ने के बाद भले मुझे समझा है कि नहीं समझा है, मुझे Srimad Bhagavatam पढ़ना शुरू करना है. Then after I finish Srimad Bhagavatam, you can never completely understand Srimad Bhagavatam. How is it possible? तो ये भी मुमकिन नहीं है कि आपको Srimad Bhagavatam भी पूरा समझ जाए. अनंत शेष in the bottom of the universe is speaking Srimad Bhagavatam and he still has not finished it. So अनंत शेष at the end of the Bhagavatam, at the bottom of the universe, उन्होंने कहा कि it is bottom क्या कहते हैं? हाँ, इस पाटल, हाँ तल, ये जो universe है, पूरा अंडर जगत अंडर जो है, उसके नीचे जो कब से वो वहाँ पे भागवतम को कब से बोल रहे हैं?
अभी तक उनका बोल के नहीं हुआ, अनंत शेष अनंत मुखों से बोल रहे हैं। बट अनंत शेष वाज नॉट ऑर्डर्ड टू रीड चैतन्य चरितामृत। अनंत शेष को कभी ये आज्ञा नहीं दी है कि आप चैतन्य चरितामृत को पढ़िए। सो ही कैन कंटिन्यू स्पीकिंग श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम पढ़ते रह सकते हैं, बोलते रह सकते हैं। बट वी हैव टू रीड चैतन्य चरितामृत बिकॉज़ आवर स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डर्ड अस टू डू सो। लेकिन हमको चैतन्य चरितामृत पढ़ना है क्योंकि गुरु की आज्ञा है। सो व्हेन वन बिकम्स इन्फेक्टेड बाय प्राइड ही इज नॉट एबल टू सी द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो जब कोई प्राइड से गर्व गर्व से गर्वित हो जाते हैं बहुत, तो गुरु की आज्ञा को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लीजिंग टू गुरु एंड देयरफॉर दे डोंट अंडरस्टैंड प्योर डिवोशन। उनको वो नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज गुरु को प्रसन्न कर रही है, इसके उन्हें भक्ति समझ में नहीं आती। एनीथिंग एल्स? यस, आई वांटेड टू आस्क अबाउट व्हाट मेक्स भक्ति सो मच सुपीरियर टू ज्ञान कर्म एंड ध्यान योग एंड व्हाई दिस, व्हाट आर द फॉल्ट्स ऑफ दीस थ्री? दैट इज अ बिग टॉपिक बट आई विल एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली। मेरा ये प्रश्न है कि ज्ञान कर्म और ध्यान योग से भक्ति कैसे उच्च है और इन तीनों में क्या प्रॉब्लम है, क्या दुर्गुण है? सो डिवोशनल सर्विस इज सुपीरियर बिकॉज इन दैट द लिविंग एंटिटी एक्ट्स इन अ मैनर दैट इज कंप्लीटली प्लीजिंग टू कृष्णा। भक्ति इसलिए उच्च है क्योंकि उसमें एक जीवात्मा इस प्रकार से कार्य करता है जो कृष्ण को प्रसन्न करता है, पूरी तरीके से प्रसन्न करता है। भक्ति इज द ओनली प्लेटफॉर्म, डिवोशनल सर्विस इज द ओनली प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर द लिविंग एंटिटी हैज फुली अंडरस्टूड हिज पोजीशन इन रिलेशन टू कृष्ण। सिर्फ भक्ति ही ऐसा स्तर है जहां पे एक जीव भगवान के साथ उसका जो संबंध है उसको पूरी तरीके से समझ चुका है। जीव कृष्णदास ए विश्वास, जीव कृष्णदास ए विश्वास दैट द जीवा लिविंग एंटिटी इज एक्चुअली डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कि जो जीवात्मा है वो एक्चुअल में भगवान का दास है। इट्स नॉट अदर प्लैट से ज्ञान योगा, लेट्स गो लाइक दिस वन बाय वन। सो इन कर्म योगा द लिविंग एंटिटी रियलाइजेस दैट He is going through a cycle of birth and death. He is different from matter. He understands that he is different from matter. And he thinks, okay, so let me try to make my situation in life comfortable. तो कर्म योग में जीवात्मा को इस चीज की अनुभूति होती है कि वे ये मैटर नहीं है, ये शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, ये भौतिक चीजों नहीं है, उससे अलग है। वो भौतिक चीज से ऊपर है, वो ये आत्मा है और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। लेकिन वो सोचता है कि चलो मैं इस स्थिति को अच्छा बनाऊं। सो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मटेरियल डिजायर्स, इसलिए वो भौतिक कामनाओं में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। बट स्टिल ही वर्शिप्स कृष्णा, फिर भी वो भगवान की पूजा करता है। सो दिस इज कर्म योग, ये कर्म योग।